तो फाइनली काफी सालों का इंतजार करवाने के बाद ह्युंडई ने अपनी न्यू 6-7 सीटर अल्काज़ार को लॉन्च कर दिया है। काफी टाइम से इस न्यू अल्काज़ार एसयूवी को इंडियन मार्केट में स्पॉट किया जा रहा था टेस्टिंग के दौरान, बट काफी टाइम बाद ह्युंडई ने अनाउंस ही कर दिया ऑफिशियली कि वो अपने अल्काज़ार के साथ इंडियन मार्केट में आने जा रहे हैं, यानी एक 7-seater 6-7-seater एसयूवी लेकर आने वाले हैं। बट कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते ये काफी ज्यादा डिले हो गया, बट फाइनली अब ह्युंडई ने अल्काज़ार को लॉन्च कर दिया है। बट अल्काज़ार ऐसी क्या खास है कि अपनी राइवल्स एमजी हेक्टर प्लस एक्सयूवी, अपकमिंग एसयूवी या फिर टाटा सफारी जैसी गाड़ियों से आसानी से टक्कर ले पाएगी? तो क्या है इस गाड़ी में नया, क्या फीचर मिल रहे हैं और कितना है इसका प्राइस, सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग देखने वाले हैं ह्युंडई अल्काज़ार के एक्सक्लूसिव अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस अल्काज़ार के लुक्स के बारे में कि गाड़ी दिखने में कैसी है, क्या ये बिल्कुल ही क्रेटा की तरह है या फिर ये क्रेटा से काफी अलग है। तो आइए जरा इसके लुक्स पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप लोग इस अल्काज़ार एसयूवी पर नजर डालेंगे तो ये एसयूवी आपको कहीं ना कहीं क्रेटा की याद दिलाएगी, बट इसमें कुछ बड़े चेंजेस जरूर किए गए हैं जिससे अल्काज़ार एसयूवी को क्रेटा से काफी अलग बनाया जा सके। और फ्रंट में इसमें आपको सामने एक बड़ी न्यू पैटर्न डिजाइन वाली ग्रिल दी गई है जिसको गन मेटल फिनिश दिया गया है, और साथ ही इसमें जो आपको एलईडी डीआरएल्स मिलती हैं और जो फ्रंट का लाइटिंग सेटअप मिलता है वो क्रेटा की तरह ही है, और साथ ही इसका जो फ्रंट बम्पर है उसका भी डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और इस स्टाइलिश एसयूवी में आपको 18 इंच वाले एलॉय व्हील्स दिए गए हैं और क्रेटा में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। और सबसे बड़ा विजुअल चेंज तो क्रेटा और अल्काज़ार में इसका व्हील बेस का है, क्योंकि अल्काज़ार में आपको बड़ा व्हील बेस मिल रहा है क्योंकि क्रेटा में आपको 2610mm का व्हील बेस मिलता है और अल्काज़ार में जो व्हील बेस है उसको 150mm इंक्रीज कर दिया गया है जो 2760mm का है। और इसकी सीधी वजह, इसका सीधा फायदा आपको इंटीरियर्स में दिखाई देगा जिसकी वजह से अल्काज़ार में आपको 6 और 7 seat का ऑप्शन भी मिल रहा है। और बाकी अल्काज़ार में प्रीमियमनेस का और भी ध्यान दिया गया है क्योंकि इसमें आपको पैसेंजर के लिए फुटबोर्ड दे दिया गया है जिससे इजीली आप लोग गाड़ी के अंदर बैठ पाएंगे, और साथ ही साथ इसका जो टेल है यानी इस गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से क्रेटा से काफी अलग है, चाहे वो इसका टेल गेट का डिजाइन हो या फिर पीछे लिखा हुआ अल्काज़ार की बैजिंग। और एलईडी टेल लैम्प भी ह्युंडई अल्काज़ार का क्रेटा से काफी अलग है। तो विजुअली तो काफी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं इस अल्काज़ार में इस कार को क्रेटा से अलग बनाने के लिए। तो काफी टाइम से आप लोग अल्काज़ार के बारे में सुन रहे थे और आप लोग को ये पता चल रहा था कि इसमें कौन से इंजन आने वाले हैं, लेकिन आज की ऑफिशियल अपडेट क्या है कि इसमें कौन से इंजन दिए गए हैं और कौन से ट्रांसमिशन ऑप्शन आने वाले हैं, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अल्काज़ार में दो इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक पेट्रोल है और दूसरा डीजल इंजन ऑप्शन है। जो पेट्रोल वाला इंजन है वो 2 liter वाला 4-cylinder पेट्रोल इंजन होगा जिसकी पावर फिगर्स पहले से इंप्रूव हो गई है क्योंकि यही सेम इंजन आपको एलेंटर जैसी गाड़ियों में देखने को मिलता था, बट अल्काज़ार में इसको और इंप्रूव कर दिया गया है। तो इसकी जो पावर फिगर्स है वो पहले से एनहांस हो गई है, पहले से इंप्रूव हो चुकी है, और अल्काज़ार की जो पावर फिगर्स है वो 159 हॉर्स पावर की है और जो टॉर्क की फिगर्स है वो 192 Nm का पीक टॉर्क है जो आपको अल्काज़ार में मिलता है। वहीं अगर मैं डीजल इंजन ऑप्शन की बात करता हूं तो अल्काज़ार में आपको 1.5 लीटर वाला 4-cylinder टर्बोचार्ज यूनिट डीजल इंजन दिया जाएगा। इसमें आपको 115 हॉर्स पावर दिया जाएगा और 250 Nm का न्यूटन मीटर टॉर्क दिया जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं कि इस गाड़ी में आपको कौन से ट्रांसमिशन ऑप्शंस दिए जाएंगे तो ह्युंडई हमेशा से ही अपनी गाड़ियों में ऑप्शंस देने के लिए मशहूर है और इस बार भी ह्युंडई ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और ह्युंडई ने दोनों ही इंजन्स में यानी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आपको 6-speed वाला मैनुअल और 6-speed वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया है। आइए मैं आपको बताता हूं इस ह्युंडई की अल्काज़ार में जो कमाल के फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन ये फीचर्स आपको पसंद आते हैं या नहीं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ह्युंडई की अल्काज़ार एसयूवी काफी जबरदस्त फीचर के साथ आने वाली है और इसका जो फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट फीचर है वो है 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा जो सेगमेंट में पहली बार दिया जा रहा है। और बाकी इस कार में आपको 10.25 का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, इसमें आपको कनेक्टिविटी फीचर्स दिए जाएंगे लाइक एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। और ह्युंडई की ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ ये कार
कार आने वाली है और साथ ही इसमें आपको एक लेन चेंजिंग कैमरा भी दिया जाएगा जिसको आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख पाएंगे और साथ ही साथ बहुत ही एडवांस फीचर जो आपको किया के सेल्टॉस में मिलता है 360 डिग्री आपको इसमें कैमरा भी दिया जाने वाला है। और साथ ही इस गाड़ी में आपको वो फीचर जो आजकल सभी एज ग्रुप का फेवरेट हो चुका है यानी पैनोरामिक सनरूफ भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगी और साथ ही वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है जो आपको अक्सर काफी गाड़ियों में मिल जाता है। बट एक यूनिकनेस इसमें यह है कि इसमें आपको फ्रंट में भी वायरलेस चार्जिंग मिलती है, मिडिल रो वाले पैसेंजर्स के लिए भी आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और इनफैक्ट पूरा आर्मरेस्ट मिलता है आपको सेकंड रो में अगर आप लोग सिक्स सीट वाला ऑप्शन पिक करते हैं। और साथ ही इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और रियर सीट्स पे आपको एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। तो फीचर वाइज तो ये अल्काज़ार एसयूवी काफी लोडेड होने वाली है, काफी कमाल के फीचर इसमें आपको दिए जा रहे हैं। बट आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि कैसे हैं ये फीचर, आप लोग को पसंद आ रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब फाइनली मैं बात करता हूं कि अगर आप लोग इस अल्काज़ार एसयूवी को लेना चाहते हैं तो ये 6-7 सीटर ऑप्शंस में आपकी पॉकेट पर कितना असर डालने वाली है, तो आइए जरा इसके प्राइस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस गाड़ी में आपको 3 ट्रिम्स दिए जाएंगे। पहला है प्रेस्टीज, दूसरा है प्लैटिनम और थर्ड है सिग्नेचर। तो जो बेस मॉडल है इस अल्काज़ार 7 सीटर एसयूवी मॉडल का वो 16.30 लाख का है यानी 16,30,000 रुपए की आपको ये एक्स शोरूम पड़ेगी। और अगर आप लोग इसके टॉप मॉडल के लिए जाना चाहते हैं यानी टॉप डीजल के लिए जाना चाहते हैं, जो डीजल मॉडल है इसका टॉप वर्जन का, वो 19.99 लाख रुपीज़ का पड़ेगा, तकरीबन 20 लाख ही कह सकते हैं जो एक्स शोरूम आपको ये इंडिया में पड़ेगा। और ये सभी प्राइस जो हैं ये पैन इंडिया है। और जो सिक्स सीट वाला ऑप्शन है वो स्टार्ट होता है 16.45 लाख से और बाकी की जो प्राइस लिस्ट है वो आप लोग पूरी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो में जिसमें मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट एंड सिंपल अपडेट लेके आया था इस न्यू अल्काज़ार एसयूवी के बारे में। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर और वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आप लोग कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बटन दबा के फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके इस बटन दबाने से मुझे काफी सपोर्ट मिल जाता है और काफी मोटिवेशन भी मिल जाता है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए और जो लोग गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।